एक मजबूत इम्यून सिस्टम ही आपको हर बीमारियों से बचा सकता है, क्योंकि बीमारियों के शिकार ज्यादातर वही लोग हो रहे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यून सिस्टम को आप कुछ घरेलू उपाय के जरिए भी बूस्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के तमाम देसी तरीके हैं, तो चलिए उन्हीं तरीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औषधियों के बारे में जान लेते हैं। नंबर एक, नींबू के छिलके। नींबू के छिलके में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो डायबिटीज और हृदय संबंधित रोग में लाभकारी होता है और शरीर की इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। नंबर दो, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का उपयोग पाचन तंत्र में ऐंठन, पेट दर्द, उच्च रक्तचाप, दर्द, उल्टी, खांसी, जोड़ों में दर्द, बुखार, सामान्य सर्दी और थकावट के इलाज के लिए किया जाता है। नंबर तीन, दालचीनी। दालचीनी के सेवन से हृदय रोगों से बचाव होता है। कोलेस्ट्रॉल और पीरियड्स पेन की समस्या से बचाने में दालचीनी बहुत लाभकारी है। नंबर चार, हल्दी। हल्दी सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि विभिन्न तरह के शारीरिक फायदे भी प्रदान करती है। हल्दी एक बेहद ही हेल्दी हर्ब्स है, जो सर्दी, जुखाम, खांसी, इन्फेक्शन आदि दूर होने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का एक बेहद आसान घरेलू उपाय। अगर आप इन औषधियों का सेवन अलग अलग से नहीं कर सकते हो, तो आपको घबराना नहीं है। आपका इस समस्या का निवारण लेकर आया है नित्यारना फार्म, वो भी एक चाय के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह नित्यारना फार्म द्वारा निर्मित हल्दी वेलनेस टी, जिसमें इन औषधियों के अलावा भी कई अन्य औषधियाँ मिलाए गए हैं, जिससे आपको और भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इस चाय को परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे चाय को www.nityarnafarm.com या फिर Amazon, Flipkart से परचेज कर सकते हैं।